वैसे किस तरह छोटे पर्दे के सितारे गणेश भक्ति में लीन है, आइए आपको दिखाते हैं। घर घर विराजमान हो चुके गणपति बप्पा की सेवा का वक्त है और सारे सितारे बप्पा को खुश करने में लगे हुए हैं। तभी तो मिलेगा ना बप्पा का ढेर सारा आशीर्वाद। तो सिकंदर कुल्फी के बिना नहीं रह पाता है और असल जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही है। मोहित मलिक और उनकी पत्नी जी भर कर कुल्फी पर प्यार और दुलार लुटा रहे हैं बापा के आगमन पर। पंडित जी इसे ही रख लेता हूँ ना मैं घर में। ये तो लक्ष्मी है, ये तो आकृति है। 9वां साल है ना, I'm very happy, I'm very blessed that आकृति has joined us because of कुल्फी कुमार वाजे वाला। सिकंदर यानी मोहित मलिक कुल्फी को तो अपने घर में ही रख लेना चाहते हैं। हमने पूरी बनाई, हमने बनाई ना हमने डायलॉग नहीं दिया देखो बोलने के लिए। खीर बनाई है, खीर बनाई, पुलाव बनाया, पुलाव बनाया, रायता बनाया, उकड़ी से मोदक बनाए। बोलो उकड़ी से मोदक, उकड़ी से मोदक बनाए, उकड़ी से मोदक बनाए हैं। मतलब उकड़ी से वो जो है व्हाइट वाले मोदक जो आपको खाने हैं वो हमने बनाए है ना। पापा का शाक श्रृंगार हमने बहुत किया और हमने अपने शाक श्रृंगार की एक्चुअली टाइम नहीं था ज़्यादा क्योंकि सुबह से इतनी तैयारियाँ होती है, बट उसमें भी मैनेज कर लिया थोड़ा बहुत। नथिंग, आप तो वैसे ही प्रिटी हो ना। थैंक यू। बाद में कर अरे मेरा शूट था तो मैं मेकअप नहीं लगाऊंगा क्या? जूडे जूडे शूट करके आए हो एक घंटा। अब चलिए जरा आपको दर्शन करा देते हैं डायन के घर के गणपति के भी। वैसे तो जब शो में डायन आती है तो नेगेटिव वाइब्स होती हैं, लेकिन यहाँ मोनालिसा और उनके पति दोनों ही बापा के आने से काफी पॉजिटिव वाइब्स महसूस कर रहे हैं। पिछले 8 साल से हमारे घर गणपति बप्पा जी आ रहे हैं और जो कुछ भी आज हम हैं, जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी चमत्कार हुए हैं हमारे लाइफ में, सब कुछ इनके वजह से ही हुआ है। तो इनके आने का एक अलग ही वाइब्स रहता है, मतलब ये हमें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ऐसा लगता है कि ये बहुत पुराने हैं, बहुत सदियों से यहाँ पे बिठाए हुए हैं और इनके आने से एक जान भी आ जाता है बिल्कुल, वो एक पॉजिटिव वाइब्स जो होती है वो फैल जाती है। मोनालिसा ने डायन का नहीं बल्कि एक अच्छी बहू का रूप लिया है, लेकिन डायन की काली नेल पॉलिश हाथों में रह ही गई। ये एक है। दिन छुट्टी मिला है। ये तो आपने अच्छा खासा पकड़ लिया है और आप एक चीज और आपका नजर
और अब जरा चलिए आपको दिखाते हैं कृतिका सेंगर और निकेतन धीर के गणपति बप्पा, जिनका ये सादगी भरा लेकिन खूबसूरत अवतार देखकर आपको भी अच्छा लगेगा। मॉम और निकी की चॉइस है तो मैं चाहूँगी कि निकी इसके बारे में कुछ बोले। कुछ नहीं, बहुत सिंपल, गणपतियाँ हमारे माटी के रंग के हैं और थोड़ा सा श्रृंगार है। हर साल पापा आते हैं घर, कोशिश करते हैं कुछ अलग करने की और इस साल भी वही कोशिश किया है। रात भर कृतिका बैठकर यहाँ 4 बजे तक इसने हर एक फूल अपने हाथों से लगाया है, बहुत मेहनत से, तो आप देख ही सकते हैं उसका नतीजा। आप देख सकते हैं कि मैं कितनी ब्लोटेड हूँ, मेरे आँखों के नीचे कितने डार्क सर्कल्स हैं, इसी वजह से रात भर मैं सोई नहीं। शादी के बाद ये पहली बार है जब मैं अपने घर वालों के साथ हूँ एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई रियली थिंक दैट आई नीड देम एंड दे नीड मी बिकॉज इट्स द 4th ईयर एंड आई नीड टू स्पेंड सम टाइम विद माय फैमिली। यस, करण वीर और टीजे ने बल्कि दो दो बप्पा घर लेकर आए हैं, वो भी उनकी दोनों जुड़वा बेटियों की पसंद के। वियना ने अपने टाइप का गणपति चूज के बोला है दिश दिश दिश। ओके, तो अब देखो एकदम वियना जैसा, एकदम पतला सा, सुडौल सा, करली बाल हैं इसके भी, कृष्ण भगवान से लगता है, हम भी वियना को वैसे ही मानते हैं। और बेला ने अपने जैसा बाल गणेश चूज किया, वैसे ही गोलू मोलू सा पेट आया हुआ, क्यूट से चीक्स, वैसे ही उसके बाल जो हैं स्ट्रेट। सो आई सेड यू नो व्हाट, इफ दे हैव चोजन दिस देन दिस टू गणपतीज विल कम होम। और ये देखो हमारे घर, और ये बेला वियना का पहला गणपति है। हाय। रेमो फर्नांडिस भी काफी सालों से गणपति बप्पा को घर में विराजमान करते आए हैं और इस बार भी उन्होंने पूरी सजावट और साज श्रृंगार के साथ बप्पा को घर में विराजमान किया है। कभी भी हमारे में प्रॉब्लम होती है, काम में हो या पर्सनल हो या कुछ भी किसी भी चीज़ में, सबसे पहले नाम बप्पा का ही आता है। और जब भी इनके नाम से कुछ काम शुरू करते हैं या कुछ भी प्रॉब्लम होती है उसके नाम से अगर हम प्रे करते हैं तो वो ऑलवेज हमारा साथ देते हैं, वो होता है। तो बहुत अच्छा लगता है कि जब बप्पा साल में एक बार घर पर आते हैं और सेलिब्रेशन का मौका हो जाता है और मौका मिलता है कि उनको थोड़ी सेवा कर सकें। तो अब चलिए आपको लेकर चलते हैं संध्या बींदनी यानी दीपिका के घर, जहां दीपिका ने अपने पूरे परिवार की मदद से सारी तैयारियां की है। पहली बार ऐसे सुनसान सड़कों में मैं नाची हूँ शायद, और बहुत मज़ा आया। मतलब फिर भी वो सुनसान नहीं लग रही थी क्योंकि पापा साथ थे और बहुत 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 दिल से नाचे, बहुत मज़ा आया। और जब से पापा आए हैं मतलब नींद उड़ गई है और खुशी खुशी है, फिर भी स्ट्रेस नहीं है और एकदम मतलब बॉडी में एक अलग तरह की एनर्जी आ गई है। फैमिली मेरी बहुत सपोर्टिव है जो जिनकी वजह से ये सब खुशियाँ मैं सेलिब्रेट कर पाती हूँ और कर पाती हूँ मतलब बेसिकली। और जाते जाते देखते जाइए नन्ही सी रूही यानी रूहानिका धवन के बाल गणेशा भी। मेरी
बर्थडे पर जब मेरा जन्म हुआ था तब वो अनंत चतुर्थी था, इसलिए मेरा लगाव गणपति बापा से थोड़ा सा ज्यादा है। लग रहे हैं ना मेरी गनुमान आज बहुत सुंदर। इस बार बापा का रूप बाल गणेश है, क्योंकि मुझे हमेशा से बाल गणेश चाहिए थे कि वो बच्चों के साथ रहते हैं और बच्चों के साथ खेलते हैं। हम बापा इको फ्रेंडली लाए हैं, तो हम इनका विसर्जन इको फ्रेंडली पॉन्ड में ही करेंगे। मुंबई से कलीम सलमानी और नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। हमारी जो वेदिका है ना वो भी पहुंच गई है भगवान के द्वार। जी हाँ, क्योंकि आपके आ जाने से में वेदिका को अब इस बात का पता लग गया है कि जो वेद है वो दरअसल उन्हीं का बेटा है। तो बस भगवान के सामने गुहार लगाने और अपने बेटे को वापस अपने जीवन में पाने के लिए वेदिका पहुंच गई है। माँ जिसे उसकी जिंदगी में एक कभी खुशी नसीब नहीं हुई, भगवान ने उसकी झोली में औलाद की एक खुशी दी थी, वो भी छीन ली। वेदिका को आज ये बात पता चल गई है कि वेद उसका अपना खून है। ये वही वेद है जिसे उसने अपनी कोख से जन्मा था, लेकिन बड़ी माँ ने कुछ ऐसा पासा पलटा कि वेद उससे हमेशा के लिए दूर हो गया। आज जब वेदिका को इस बात का पता चल गया है कि वेद उसका ही बेटा है, भगवान के सामने वो झोली फैलाने आई है। अपने बेटे को वो अपने पास रखना चाहती है। एक दुखियारी माँ की कहानी तो देखिए, घुटने के बल वो मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ रही है। अब वेदिका की इस कड़ी तपस्या से क्या वेद उसे वापस मिल जाएगा, ये सब तो सीरियल के राइटर पर डिपेंड करता है, उसके बाद थोड़ा बहुत भगवान पर भी। मुंबई से राज दीक्षित के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। चलते हैं इश्क सुभान अल्लाह की ओर, जहाँ पर ऐसा लगता है कि बप्पा की कृपा कबीर और जारा की लव स्टोरी पर भी है। लेकिन कुछ लोग ना सामने से जाकर मुसीबत को बुलाकर लाते हैं, तो बस ऐसा आभास होने लगा है कि ये जो नीलोफर नाम की मुसीबत है ना, उसको खुद बुलाकर लाएंगे हमारे कबीर। कबीर की मेहंदी हो रही है। अब आप ये मत सोचिएगा कि मेहंदी का ये फंक्शन इतने आराम से हो जाएगा। अब भाई वो शादी ही क्या जिसमें कोई ट्विस्ट ना आए, तो हमेशा की तरह इस शादी में भी बहुत बड़ा ट्विस्ट आएगा, और वो ट्विस्ट कोई और नहीं बल्कि रुखसार लेकर आएगी। जी हाँ, सात समंदर पार से ये खबर आ गई है कि रुखसार मुसीबत में है। ये शादी नहीं हो सकती क्योंकि रुखसार की जान खतरे में। अब रुखसार मुसीबत में है, इसका इल्जाम किसी और पे नहीं बल्कि कबीर पे आया है, क्योंकि उसकी शादी भी तो इसी खानदान ने करवाई थी। फिर क्या, जीनत को तो बहाना मिल गया अपनी बहन को लेकर। क्या कह रही है? रुखसार को क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है?
हम किसी को कुछ नहीं पता, आप कह रही हैं सबके सामने कि हम दोनों जिम्मेदार हैं। वैसे तो जारा और कबीर की जो है वो मेहंदी की रात है और सब बहुत खुश हैं। जीनत को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है जारा और वो चाहती है कि ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए, टूट जाए। बात मेरी बहन की आ जाएगी और सब व्यूअर्स जानते हैं कि मैं रुखसार को लेके कितनी ज्यादा पजेस्ड हूँ। अच्छी खासी मेहंदी चल रही थी, हर कोई खुश था, नाच गाने का भी बंदोबस्त किया गया था, लेकिन इन सब पे पानी फिर गया। इन दिनों जारा और कबीर के बीच जो प्यार के पल चल रहे हैं उसे देखकर आप सब भी थोड़े से चौंक रहे होंगे, क्योंकि जारा के पीछे अब कबीर एकदम दीवाना हो गया है। और जरा देखिए, अपने ही हाथों से जारा के हाथों में मेहंदी लगा रहा है। कबीर मियां, अब ये मेहंदी वेहंदी लगाना छोड़िए और तैयारी कीजिए दुबई जाने की, क्योंकि आपने वादा किया है जीनत से कि आप रुखसार को सही सलामत लेकर आएंगे। ठीक है, अगर हम दोनों जिम्मेदार हैं इस मुसीबत के लिए तो हम वहां जाकर रुखसार को मुसीबत से निकालेंगे। वहीं दूसरी ओर एक और मुसीबत है मिराज, जो इनका पीछा ही नहीं छोड़ता। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। मुंबई में रह के अगर आपने लाल बादशाह राजा के दर्शन नहीं किए तो क्या किए। वैसे मुंबई में ना भी रह रहे हो भाई, उनके एकमात्र दर्शन से जीवन सफल हो जाता है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं लाल बादशाह राजा के पास, जहां पहुंचे कृतिका कामरा और शाइनी दोषी भी। जी हाँ, एक की नई फिल्म आ रही है तो दूसरे का सीरियल, दोनों को ही बप्पा की कृपा की जरूरत है। उत्सव की शुरुआत हुई और लाल बाग के राजा के यहाँ दर्शन के लिए सितारे आने लगे हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि पहले दिन लाल बाग के राजा के दरबार में कौन कौन पहुँचा। कृतिका कामरा, जिनकी पहली फिल्म मित्रों रिलीज के लिए तैयार है और 14 सितंबर को पर्दे पर उतरेगी, तो फिर कृतिका को तो बप्पा का आशीर्वाद लेने आना ही था। चतुर्थी का दिन है और आई एम वेरी हैप्पी कि मम्मी पापा राहुल सब आ सके और दर्शन कर सके। एक मेरी फिल्म रिलीज़ हो रही है तो आई रियली वांटेड कि आज हम यहाँ आए और ब्लेसिंग्स लें। थैंक यू बोला है, एक्चुअली कुछ मांगा नहीं है, क्योंकि अब बस कल ऑडियंस का प्यार मिल जाए और थोड़ी सी और इनकी मेहरबानी हो जाए तो बस। शाइनी दोषी पहुंची बप्पा के दरबार में, क्योंकि गणेश चतुर्थी को ही तो उनका जन्मदिन भी होता है, यानी बप्पा के साथ। We'll be right back.
आपसे बर्थडे आज है और मैं गणेश चतुर्थी को ही पैदा हुई थी. थैंक यू सो मच स्नेहा, थैंक यू सो मच एबीपी फॉर गेटिंग मी हियर एंड मेकिंग मी डू माय दर्शन सो इजीली. नया शो बहुत जल्दी आ रहा है, आप सब मुझे बहुत जल्दी देखेंगे. बस पप्पा से उसकी कामना और सफलता मांगने आई थी और बहुत सारी खुशियाँ मांगी है. तो शुरू हो गया है सितारों के आने का सिलसिला लाल बाग के राजा के दरबार में, और कौन कौन हाजी लगाने आएगा वो सब भी आपको हम दिखाते रहेंगे. मुंबई से स्नेहा शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट. वैसे यकीन मानिए गणेश जी को अपने घर में आमंत्रित करने में जो आनंद मिलता है ना, शायद ही किसी और मेहमान को घर में बुलाकर मिलता होगा. शायद यही वजह है कि हर कोई खुले दिल के साथ और बाहों के साथ गणेश जी को अपने घर आमंत्रित करता है. और देखिए किस तरह सलमान खान की बहन अर्पिता खान ने भी अपने घर गन्नू भैया को बुलाया और पहुँचा पूरा खानदान करने गणेश दर्शन. गणपति बप्पा मोरिया के बीच सलमान खान के घर भी बप्पा पधार चुके हैं. सलमान खान की बहन अर्पिता और अलवीरा ने बप्पा का स्वागत किया. अर्पिता ने बप्पा की आरती उतारी और फिर उन्हें विराजमान करने के लिए चल पड़ी घर की ओर. कुछ देर बाद सलमान खान भी नजर आए अपनी खास दोस्त उलिया के साथ. फिर एक के बाद एक लग गई सितारों की लाइन बापा के दर्शन के लिए. कटरीना कैफ आई अपनी बहन के साथ. तो वही संगीता बजलानी भी नजर आई. सलमान के भाई सोहेल का परिवार भी नजर आया. सलमान खान के मम्मी पापा सलीम और सलमा भी नजर आए और हेलन भी. अरबाज खान भी नजर आए अपनी खास दोस्त के साथ, जिनके साथ उनके रिश्ते की चर्चा काफी होती रहती है. इनके अलावा जल्द ही मम्मी बनने जा रही नेहा धूपिया भी पहुंची और डायरेक्टर कबीर खान अपनी पत्नी मिनी माथुर के साथ नजर आए. तो कुछ इस तरह किया सितारों ने सलमान खान के यहाँ बापा का दर्शन.
से रवि जैन के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। बप्पा को देखा जाए ना तो मन में असीम प्रेम जागता है। वैसे भगवान कम दोस्त ज्यादा लगते हैं ना गणेश जी। वैसे प्रेम की एक कहानी तो फिर से आने वाली है टीवी पर। जी हाँ, कसौटी जिंदगी की। तो चलिए चलते हैं ओरिजिनल प्रेरणा के पास, यानी कि श्वेता तिवारी के पास। उनके बप्पा के भी दर्शन करके आते हैं और कुछ पुरानी यादें तरोताजा करके आते हैं। साल बाद एक प्यार की कहानी दोहराई जा रही है। ये प्यार करने वाले दो नाम अनुराग और प्रेरणा, ये किसे याद नहीं है। जब भी प्यार की कसौटी की बात की जाती है, इनका नाम सबसे ऊपर आता है। अब श्वेता तिवारी यानी कि ओरिजिनल प्रेरणा से मिलेंगे तो उनसे ये सवाल तो जरूर पूछेंगे। तो बताइए श्वेता, जब भी कसौटी जिंदगी है का टाइटल ट्रैक बजता है, आपको भी कुछ कुछ होता है? बहुत, जब वो गाना सुनती हो ना, अगेन वो मुझे नॉस्टैल्जिक फीलिंग होती है। कितना अच्छा लगता है। हाँ हाँ, वो म्यूजिक अपने आप ऐसा लगता है कि दुपट्टे के साथ ही बना था वो म्यूजिक। द मोमेंट यू हियर, तो अब मेरे साथ क्या होता है ना कि जब मैं सुनती हूँ ना, तो मुझे ये नया वाला जो देखती हूँ ना, वो रिलेट ही नहीं होता, क्योंकि उस वक्त मैंने वो टाइटल सॉन्ग देखा नहीं, किया था। तो जब भी वो गाना बजता है तो मेरे वो स्टेप्स याद आने शुरू हो जाते हैं जो हमने किए थे, किस तरह हमने, कहाँ से कैमरा आया था, क्या कितनी कॉन्शियस थी। मेरा फर्स्ट डे शूट था, वो फर्स्ट डे शूट, और मेरे बर्थडे पर शूट हुआ था। मुझे अभी भी याद है, मेरा बर्थडे था उस दिन, जब दिन वो टाइटल सॉन्ग शूट हुआ था। फर्स्ट डे था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आई वॉज सो नाइव एंड सो न्यू इन दिस होल थिंग। और जैसे बचता है तो मुझे स्टेप बाय स्टेप याद आने लगता है कि जैसे चल रहा है, और जब वो देख भी रही होती है ना, मेरे जहन में वही घूम रहा होता है जब हम कर रहे होते हैं। कितना नॉस्टैल्जिक फील होता है, बहुत अच्छा लगता है। और वो डिट्टो बनाया है, देखा आपने? हाँ, अमेजिंग। इट टुक मी बैक, नो 15 इयर्स बैक, बिकॉज़ आई वाज शॉक्ड। सेम टू सेम, इट्स लाइक अ कार्बन कॉपी। इट वाज अमेजिंग बिकॉज़ आई रिमेंबर इन लोगों ने जो प्रोमोस, व्हाट आई एम बीन वाचिंग ऑन फेसबुक एंड ऑल, एक जगह इन्होंने हमारा प्रोमो डाला, एक जगह इनका प्रोमो डाला। इट्स एग्जैक्टली फ्रेम टू फ्रेम, इट्स अमेजिंग। साल पहले जब श्वेता और सिजैन ने इस टाइटल ट्रैक को शूट किया था, उस समय की बात ही कुछ और थी। उन दोनों ने उन पलों को जिया था, तभी तो आज भी इनके जहन में वो यादें ताजा हैं। सो एप्ट कि लगता था कि अगर प्रेरणा नहीं करेगी तो कोई नहीं कर सकता, तो वो बहुत एप्ट जाता था। ठूसी हुई नहीं लगती थी हीरोइन की, बस उसमें ठूस गई थी, जबरदस्ती नहीं लगती थी। सो दैट्स वे इवन दैट्स व्हाई एंड दैट that according to that story also the story was apt. Pehli baar Kasauti was the first serial jisme scene ke piche filmi gaane bajne shuru hue the, first time, pehli baar. ab to har serial mein gaane bajte hain, wo tarika hi alag tha, matlab it was. प्रेरणा जितनी खूबसूरत है उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है उसका दिल, तभी तो अनुराग जी जान से उसे चाहता था। श्वेता तिवारी और सिजैन की जो केमिस्ट्री थी वो लोगों को आज भी याद है। आई फील सो हैप्पी, आई फील सो हैप्पी, आई फील सो लकी एकता चोज मी फॉर दिस रोल देन। आई डोंट नो व्हाट शी सॉ इन मी, बट शी चोज मी। और मुझे ऐसा लगता है कि
I'm so lucky to be a part of that kind of, you know, iconic story. अब श्वेता तिवारी कसौटी के नए सीजन के बारे में क्या सोचती हैं ये भी सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो ओरिजिनल होता है उसका एक्सपीरियंस नए लोगों को बहुत काम आता है। तो एरिका, आप भी जरा सुनना कि श्वेता क्या बोल रही हैं। I'm sure even if Erica respects it, ये उसके लिए भी लाइफ का माइलस्टोन होने वाला है। और वो लड़की मुझे बहुत पसंद है, जो उसकी जो लीड है Erica, she's very pretty. And so मैं होप कर रही हूँ कि इस बार मैं डे वन फर्स्ट एपिसोड से देखूँगी और पूरा देख पाऊँगी जब तक ये शो चलेगा, अगर मैंने काम करना शुरू नहीं कर दिया फिर से तो। सो आई एम गोइंग टू वॉच दिस शो एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू वॉच इट, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि कभी भी प्रेरणा अनुराग ये नाम कभी भी नीचे हो, हमेशा टॉप पे रहे, जितनी बार भी बने टॉप पे रहे। सो गाइस प्लीज डू वॉच इट। ही कसौटी जिंदगी की जब शुरू हुआ था तब पलक बहुत छोटी थी, जैसे जैसे कसौटी आगे बढ़ता गया पलक भी बड़ी होती गई, तो श्वेता के साथ पलक की भी कसौटी की बहुत सारी यादें हैं, और खास तौर के जब वो घर में अपनी मम्मा से कसौटी के बारे में खूब सारी कहानियां सुना करती हैं। चार महीने की थी, छोड़ के गई थी जब करने के लिए। हाँ नहीं नहीं, मम्मी हमेशा बहुत ही ज़्यादा प्यार से कसौटी की बातें करती हैं। मम्मी कसौटी हैज़ बीन मॉम्स का सबसे ज़्यादा फेवरेट एक्सपीरियंस। अभी भी यू नो, जब भी मॉम कसौटी की कहानी के बारे में भी बात करती हैं, बहुत ही ज़्यादा फॉन्डनेस से, यू नो, लाइक शी विल से कि यू नो उस टाइम पे ऐसी स्टोरीज कहाँ बनती थी। इट्स Yeah, it's not a very, you know, it's not a classic, it's not very typical Indian television. Usme mummy bata rahi hain jaise twist the usme, jaise you know, it was very empowering for like, you know, everything was on her. She was the lead, and that's not very normal for Indian television. So it she loved that. It is normal for the Indian television, but no, you know, but how you fought and all. The leads ko na, ki because she's the protagonist, she will do everything. But our Kasoti, the story those days. Was so apt कि लगता था कि अगर प्रेरणा नहीं करेगी तो कोई नहीं कर सकता। अब श्वेता तिवारी के घर हर साल की तरह बप्पा आए हैं इस साल भी, जिसका स्वागत वो बड़े ही आन बान और शान के साथ कर रही हैं। बप्पा तो साल में एक बार आते हैं, लेकिन श्वेता की तैयारी 4-5 महीने पहले से ही हो जाती है। साल भी नहीं गुजरा होता, आधा महीना ही, मतलब आधा साल ही गुजरा होता है कि सडनली हमें तैयारियों में लग जाते हैं कि बस पप्पा आ रहे हैं। 3-4 महीने पहले से ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं कि इस बार पप्पा आने वाले हैं, किस तरह की मूर्तियां बनवानी हैं, क्योंकि अगर आपको इको फ्रेंडली गणपति चाहिए होते हैं तो आपको पहले से बनवानी पड़ती हैं इको फ्रेंडली गणपति, आपको ऑर्डर देना पड़ता है। अब श्वेता, हम तो यही उम्मीद करेंगे कि गणपति बप्पा आए हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर लाए, क्योंकि आपके फैंस जल्द से जल्द आपको वापस देखना चाहते हैं। फिर चाहे आप किसी भी किरदार में नजर आए, वो तो आपको बस देखना चाहते हैं। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वैसे गणेश जी की कृपा एक और प्रेम कहानी पर खूब बरस रही है। ये प्रेम कहानी किसी और की नहीं, कार्तिक और नायरा की है। भाई छुपते छुपाते ये अपनी रोमांटिक लाइफ एंजॉय तो कर रहे थे, लेकिन अब घर वालों को इस बात का पता लग गया है कि दोनों के बीच में कुछ तो है। अब बात ये हो रही है कि कहानी को आगे, मतलब प्रेम कहानी को आगे बढ़ाया जाए तो कैसे।
और कार्तिक की लव स्टोरी के बारे में दोनों परिवारों को पता चल गया है। अब नायरा और कार्तिक ये जानते हैं कि घर वालों के फैसले के खिलाफ जाकर इन दोनों ने एक दूसरे से तलाक लिया था, और तलाक के बाद जब इनमें दोबारा प्यार शुरू हुआ तो घर वाले क्या सोचेंगे, इनकी इस नई प्रेम कहानी में क्या वो उनका साथ देंगे। नायरा और कार्तिक अब इसी उलझन में हैं कि आगे क्या करें, कौन सा ऐसा कदम उठाए जिसके चलते सब कुछ पहले जैसा हो जाए। डर लग है कि हमेशा के लिए लग है। कभी इनके मन में फैसला आता है कि चलो घर छोड़कर भाग जाते हैं और चोरी छुपके शादी कर लेते हैं। ढाबे पर बैठकर ये दोनों यही बातें कर रहे हैं। अब नायरा और कार्तिक, हम जानते हैं कि आप दोनों के साथ क्या होगा। अगर आप हमारी बात माने तो घर वालों को बोल दीजिए कि आप दोनों फिर से शादी करना चाहते हैं। बड़े बुजुर्ग आपको जरूर माफ कर देंगे, और वैसे भी कहते हैं ना, सुबह का भूला अगर शाम को लौटे तो उसे भूला नहीं कहते। मुंबई से राज दीक्षित के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।